छोटी सारणी में दलित अधिकार नेटवर्क राजस्थान एवं सहयोगी संगठन की 20 कार्यकर्ताओं की टीम क्या सदस्यों तथा स्थानीय पदाधिकारियों ने भंवर माता मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में शुक्रवार को संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का 63वां परिनिर्वाण दिवस मनाया, जहां अंबेडकर के चित्र पर सभी ने माल्यार्पण कर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद वक्ताओं ने अंबेडकर के जीवन तथा दलित अधिकारों को लेकर जानकारी दी। उसके बाद सभी ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी छोटी सादरी के प्रतिनिधि भंवरलाल मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में दलितों पर बेहतर तादाद में अत्याचार बढ़ रहे हैं। देश में जो भारत का संविधान है उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसका विच्छेदन करके उसके प्रावधानों को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। दलितों पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सरकार में बैठे हुए पुलिस और प्रशासन के लोग इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बलात्कार करने वाले लोगों के ही जाति के लोग सरकारी मशीनरी में बैठे हैं और उन्हीं के जाति के लोग जो नेता है और वो उनको संरक्षण देते हैं, उससे राजस्थान में पिछले एक साल में दलितों में बहुत निकले हैं जो 26 नवंबर को, और अभी आज हम पहुँचे हैं ये छोटी सादरी, और इसी में हमारी कोई 15 सूत्री मांगा है, उसमें महिला के साथ में जैसे महिला हिंसा है, अत्याचार है, बलात्कार है, वो महिला के साथ में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्हीं का कोई सरकार इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारे का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सरकार उनको लागू अच्छे तौर से करे ताकि वो पूर्ण रूप से उसको पीड़िता को न्याय मिले। वॉइस ऑफ MP के लिए छोटी सादरी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।